भागलपुर के नौगछिया रंगरा प्रखंड के तिनटंगा दियारा स्थित कटाव स्थल का जायजा लेने के दौरान पत्रकारों के एक सवाल के जवाब देने के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि पूर्णिया प्रमंडल में अनुश्रवण समिति की बैठक के दौरान सीमांचल के इलाके में विदेशी घुसपैठिए के द्वारा राज्य में घुसपैठ की बात प्रकाश में आई है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिन के दौरान सीमा पार के विदेशी घुसपैठिए सीमांचल के इलाके होते हुए बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। विदेशी लोग अवैध रूप से व्यापारी बनकर यहां घुस जाते हैं और स्थानीय लोगों की मदद से फर्जी तरीके से जमीन के कागजात बनवा लेते हैं। वे धीरे धीरे यहाँ की नागरिकता हासिल कर लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि घुसपैठ के मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में अवगत कराया गया है। सरकार द्वारा विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। साथ उन्होंने कहा कि विदेशी घुसपैठियों की पहचान कर यहां से खदेड़ा जाएगा और आगे घुसपैठ नहीं हो इस पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कड़ाई से कदम उठाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सर्वधर्म संभाव के सिद्धांत पर सरकार चल रही है और यहां सभी धर्मों के लोगों को आदर एवं सम्मान के साथ उनका हक दिया जाता है, मगर विदेशी घुसपैठ को हमारी सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहारी अपने ग्रामीण अपने स्वजाति को बरगला करके और वहाँ पर बड़े चालाकी से जमीनों को हड़प लेना, कागज ठीक करवा देना और बाहर के लोगों को ला के बसाना और लैंडमार्क बना करके वहाँ कोई अपना स्थान बना लेता है जिसमें बैठना शुरू कर देता है। हम सबों को लगता है कि ये व्यापारी है, कारोबार कर रहा है, लेकिन अंदरूनी वो बाहर से लाए हुए व्यक्ति को, चाहे बांग्लादेशी हो, भूटान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कहीं के भी लोग, वैसे लोगों को ला करके बिहार के अंदर और देश के अंदर घुसाने की प्रक्रिया चल रही है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार सरकार के हमारे तमाम लोग इस काम में लगे हुए हैं कि कोई बाहरी मेरे घर में न घुसे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने घर के अंदर किसी को घुसने नहीं देता। ये देश क्या है? देश हमारा घर है, देश हमारा राष्ट्र है, ये हमारा मंदिर है, हम सब इसके पुजारी हैं, हम सब इसके भक्त हैं। हम देश के लिए हमारी पार्टी काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है, न कि कोई व्यक्ति परिवार के लिए काम करता है। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में आभूषण व्यापारी अनुपम कुमार वर्मा से स्टेशन चौक के पास बदमाशों ने लगभग 4 लाख रुपए से अधिक की सोने की लूट कर ली। सोना पट्टी स्थित प्रतिष्ठान से 100 ग्राम सोना खरीदकर अनुपम वर्मा ट्रेन पकड़ने पैदल ही जा रहे थे। स्टेशन चौक के समीप एक होटल के पास पहुंचने पर हाथ में डंडा लिए दो व्यक्ति ने व्यापारी को रोक लिया। दोनों ने व्यापारी से कहा कि शहर में हथियारों की चेकिंग चल रही है। चेकिंग की बात कहकर बदमाशों ने व्यापारी के हाथ से बैग ले लिया और बैग खोलकर देखने के बाद व्यापारी को थमा दिया। उसके बाद दोनों गायब हो गए। 10 से 15 मिनट बाद जब आगे बढ़ने पर व्यापारी ने बैग खोला तो देखा उसमें सोना नहीं है। सूचना पर CTSP, CTASP व कोतवाली इंस्पेक्टर सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्टेशन चौक से वैरायटी चौक के बीच और सोना पट्टी में लगे CCTV की फुटेज को खंगाला। बदमाशों की पहचान कराने के लिए व्यवसायी को पुलिस अपने साथ पुलिस केंद्र स्थित कंट्रोल रूम ले गई और CCTV फुटेज दिखाए। स्टेशन चौक पे मैं जा रहा था अपना ट्रेन पकड़ने की, ट्रेन जैसे पकड़ने मिसिंग वाले थे, कौन सी ट्रेन मालदे मिसिंग थी, चलना जा रहा था तो स्टेशन चौक पे पीछे से आया, बोला आप इतना आवाज़ मार रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हैं, तो हम जा गए। कौन आपको पीछे बुला रहा है? परिचित नहीं। नाथनगर की चंपा नदी के समीप स्थित एडवांस ENT हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर HI फर्रुख के द्वारा मरीज का गलत इलाज करने को लेकर मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि इस अस्पताल में डॉक्टर काफी मनमानी करते हैं, ना ही मरीजों के परिजनों की बात सुनते हैं, ना परेशानी, सीधे जो समझ में आया चिकित्सीय सलाह दे देते हैं। पुलिस जिला नौगछिया के बीहपुर निवासी रितेश कुमार ने कहा, अपने पिताजी को दिखाने आए थे, डॉक्टर HI फर्रुख के द्वारा गलत इलाज करके गलत दवाई चला दी गई, जबकि मैंने काफी गुजारिश किया कि कृपया पुराना इलाज के चिट्ठे को देखा जाए, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। आज जब हम दिखाने आए तो डॉक्टर ने कहा कि लकवा मार दिया है, अब उसे कहीं और ले जाइए। यही है सर कि हम पापा को दिखाने आए थे फारूक सर के पास, तो फारूक सर को बोले थे कि जो मेरा पुराना चिट्ठा सर उसको देख के दवाई दिया जाए, कहे कि किडनी शुगर और हार्ट तीनों का मेडिसिन चलता है मेरे फादर का, लेकिन डॉक्टर साहब ने मेरा बात एको बार नहीं सुना और बिना पिछला चिट्ठा देखते हुए, बिना पुरनका चिट्ठा देखते हुए अपना मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दिया,
जिसके कारण की मेडिसिन ऐसा लगा कि रिएक्शन हो गया है। कल भी इंजेक्शन दिलवाए थे, इंजेक्शन दिलवाने के कारण उसका मुंह सब पूरा फूल गया, मुंह टेढ़ा हो गया। और अभी जब डॉक्टर से मिलने आते बोलता है इसका लकवा का शिकायत हो गया, इसके पहले लकवा नहीं था और परसों जो मेडिसिन चला उसके बाद लकवा हो गया। वहीं इस मसले पर अस्पताल के डॉक्टर HI फर्रुख ने अपने ऊपर लगाए सारे आरोप को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि जिस स्थिति में मरीज हमारे पास आए थे मैंने विधिवत इलाज किया, जो इलाज व दवाई मैंने दिया है वो सही है, अगर मरीज चाहे तो कहीं भी जांच करा ले। रोगी है ओम प्रकाश पोद्दार, ये दो दिनों पहले 15 तारीख को हमारे पास आए थे कान में तीव्र दर्द की शिकायत लेकर, पहले के दो चार डॉक्टरों को दिखा चुके हैं तो मैंने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की इनको, तो आज 17 तारीख को दो दिनों बाद ये वापस आए और ये हंगामा करने लगे हमारे यहाँ अपने गलत दवाइयाँ। मैंने कहा दवाइयाँ गलत कैसे हैं, इनको जो मेरे डायग्नोसिस है मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, इसमें क्या होता है कि कान में बहुत शिद्दत से बहुत तीव्र दर्द होता है, मुंह में लकवा मार देता है, तो टेंटेटिव डायग्नोसिस है और इसमें ये परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि आज दिखाने आए हैं तो आज ही हो जाएगी, हो सकता है 4-5 दिन बाद हुई हो, तो इसका इसमें आरोप लगाना तो कतई गलत है भाई। अब ये मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना बहुत कम लोगों में होता है, बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, लेकिन अब इनका ये कहना है कि आपकी दवाइयों से हुआ, दवाइयों से नहीं हुआ है भाई, आप कहीं भी इसका शोध करा लें। भागलपुर में बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि बिहार में आज भी भू माफिया हावी है। उनका विभाग भू माफियाओं से निपटने के लिए तैयारी भी कर रही है, लेकिन सरकार से ज्यादा संपत्ति के मालिक जिम्मेवार हैं, जो आपस में मामला सुलझाने के बजाय दलाल और भू माफिया के संपर्क में ज्यादा यकीन कर रहे हैं। नतीजा हिंसक वारदात बढ़ती जा रही है। हमारे आपके बीच और आपके कारण और मेरे कारण भू माफिया का सर ऊंचा होकर के चल रहा है, बोल रहा है, क्यों कि आप अपनी संपत्ति अपने भाई से बेईमानी करके आप ठग करके दूसरे को देते हैं। भू माफिया चैलेंज लेता है कि आपके भाई लंदन रहते हैं, आप 10,000 में आगे बेच दो, हम बाकी सलक लेंगे, ये हमारी आपकी गलती है और सरकार बदनाम होती है। इसलिए आप सबों से मेरा अपील है, तमाम पत्रकार भाइयों से भी मेरा अपील है कि जब तक आप अपने पुश्तैनी संपत्ति का बंटवारा न करेंगे भू माफिया आपके प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं उसको छिया लेदर करके छोड़ देगा, और आपका ही संपत्ति एक बार कहेगा कि जब मंदी काम करा देंगे, एक बार कहेगा कैंसिल करा देंगे, और दो भाई लड़ेंगे, पूरे लोग मजा मानेंगे। भागलपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री सह भागलपुर के प्रभारी मंत्री भी खास मौके पर हाजिर रहे। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर संकल्प हवन कर गरीबों को अन्नदान भी किया गया। मौके पर संगठन मंत्री समेत कहलगांव एवं बिहपुर के विधायक समेत महिला कार्यकर्ता भी शामिल रहे। विश्वकर्मा पूजा भागलपुर के सुल्तानगंज के नगर सरकार भवन में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान नगर सरकार भवन में विश्वकर्मा भगवान की प्रतिमा को बैठाते हुए विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। नगर की सभापति नीलम देवी ने विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना करते हुए प्रत्येक वार्ड में सफाई के लिए नए छोटे एवं बड़े वाहनों की पूजा अर्चना की। इस दौरान नगर सभापति नीलम देवी एवं वार्ड पार्षद नवीन कुमार बन्नी, राहुल यादव, जयप्रकाश यादव, बीबी गुलशन आरा, संध्या देवी, विजय बिंद, सौरभ कुमार, राहुल कुमार सहित वार्ड पार्षदों ने सभी वाहन चालकों को अंगवस्त्र से सम्मानित किए। इस दौरान नगर सभापति नीलम देवी ने मीडिया को बताया कि शहर के 25 वार्ड में नए छोटी वाहनों का पूजा अर्चना किया गया, जो नगर के 25 वार्डों में सूखा एवं गीला कचरे का उठाव तीव्र गति से किया जाएगा। पहले वाहन नहीं होने के कारण कचरा उठाने में परेशानी होती थी, अब वह समस्या नहीं रहेगी। सब वाहन मंगाए और बहुत ऐसा वाहन है और 25 वाट टोटो मंगाए हैं, 25 टोटो सब, हम सभी जनता को यही शुभकामनाएं करती हूं कि मैं मेरे जनता सभी वार्ड का खुश रहे और स्वस्थ रहे, और विश्वकर्मा पूजा जो है बहुत अच्छा से मनाया गया है और सभी पार्षदों को निमंत्रण दिया गया है कि सभी आके प्रसाद खाएं और खूब शुभ से विश्वकर्मा पूजा मनावें।
भागलपुर नगर निगम में कर्मियों की हड़ताल भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन नाथनगर क्षेत्र की साफ सफाई अब भी जस की तस है। नाथनगर के कई जगहों पर NHSC, पीपरपाती, मुख्य बाजार, बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर, घोसी टोला, मेदनी नगर चौक, अनाथालय रोड, CTS रोड में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह फैले कूड़े से आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं अभी लोगों को कोरोना महामारी से ठीक से निजात नहीं मिली है। इस बीच कूड़े से आ रही दुर्गंध से संक्रमण का डर बना रहता है। नगर निगम की जो हालात है, चंपा नगर बुनकर बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर के लगातार हर जगह कूड़े का अंबार बना हुआ है। सड़ांग बदबू से लोग नाक पर कपड़ा रख कर इधर उधर जाने पर मजबूर है। कूड़ा जमा है और काफ़ी परेशानी हो रही है, स्कूल में घुसना मुश्किल हो रहा है और गंदगी की वजह से आप जान रहे हैं कि अभी बुखार फैला हुआ है और ख़ास करके हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत खतरा है कि इस इन्फेक्शन हो करके जो है बच्चा बीमार हो सकता है। इस कूड़े को चाहेंगे हमारे काउंसलर साहब कि इस कूड़े को जितना जल्दी से जल्दी जो है कम से कम साफ करवा दें, गेट को भी कम से कम साफ करवा दें। भागलपुर के सुल्तानगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर भाजपा के जिला प्रवक्ता कुमार सवन के नेतृत्व में सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में मरीजों को मुफ्त फल का वितरण कर लोगों को स्वस्थ रहने की सलाह दी गई। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने की बात कही गई। इस दौरान भाजपा जिला प्रवक्ता श्रवण ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिवस पर निःशुल्क फल मरीजों के बीच वितरित किया गया। साथ ही 20 दिन तक लगातार क्षेत्र के विभिन्न जगहों में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा कोरोना वैक्सीन जागरूकता अभियान एवं वृक्षारोपण व प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों को दिए गए लाभ का योजना उन गरीब परिवारों को पहुंचाने का काम करेंगे। इस दौरान रेफरल प्रबंधन चंदन कुमार एवं भाजपा नेता विकास कुमार कर्ण, सजौर संयोजक मनोज झा, समाज सेवी विपिन कुमार सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।